और लखनऊ की ठाकुरगंज के बालागंज में ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट होने से बड़ा हादसा हो गया है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। घायलों को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार ऑक्सीजन सिलेंडर को कार में ले जाया जा रहा था। जानकारी के अनुसार ये हादसा शहर के ठाकुरगंज के बालागंज क्षेत्र में हुआ है। बताया जा ये भी जा रहा है कि लोग कार में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर बालागंज में सप्लाई करने के लिए जा रहे थे। डिलीवरी के लिए जब हॉस्पिटल के बाहर सिलेंडर उतार रहे थे, तभी सिलेंडर में यह भीषण विस्फोटक हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि हादसे में दो लोग बेहद गंभीर रूप से घायल हैं। इन दो लोगों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और बता दें कि दो लोगों के विस्फोट की वजह से हाथ पैर की तीतले उड़ गए हैं। जेपी हॉस्पिटल बालागंज थाना ठाकुरगंज में आरिफ और शोभित नाम के दो व्यक्तियों द्वारा लोडर से ऑक्सीजन सिलेंडर उतारा जा रहा था। सिलेंडर गिरकर फट गया, जिससे आरिफ और शोभित दोनों ही घायल हो गए तथा पास में ही खड़ी सेंट्रो कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। तत्काल थाना ठाकुरगंज की पुलिस के द्वारा दोनों को ट्रामा सेंटर भेजा गया, जिसमें इलाज के दौरान आरिफ की मृत्यु हो गई है और शोभित की इलाज चल रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था